क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम ये कहेंगे ना कि ए इंटू बी इंटू सी, यानी बी और सी को एक साथ मल्टीप्लाई करके ए को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, या नहीं तो ए और बी को एक साथ लेकर के सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एसोसिएटिविटी, इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 8। इसे बोला जा रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। अगर मान लेते हैं ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे ना, तो 8 1 जा 8 +1 9, दैट मीन्स -9/8 होगा, -9/8 होगा। हमारे पास नंबर क्या है, तो 8/9। अब यहाँ पूछ रहा है क्या 8/9 का ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। बट यहाँ पर क्या है ना कि 9 तो हमारा ऊपर है और 8 जो हमारा न्यूमरेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर में है, लेकिन साइन यहाँ निगेटिव आ गया है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि ये जो -1/8 है, ये 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नो, बिकॉज, कारण पूछा हुआ है ना कि क्यों नहीं है, तो बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं ना, कारण जो पूछा है ना, कारण लिख दिया हम, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट वन। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होता है ना, उसका प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, लेकिन जब 8/9 को और -9/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर के हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये माइनस आ रहा है ना, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 3/1/3, वाई वाई नॉट। ये मिक्स में है, मिक्स को प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 3 जा 9 +1 10, दैट मीन्स हो जाएगा हमारा 10/3। जब 10/3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 point कुछ, तो डिवाइड नहीं करना, हम ये काम करते हैं 0.3 को तोड़ते हैं, तो 0.3 को जब तोड़ेंगे ना, तो 3/10 हमारा हो जाएगा। तो बताइए 0.3 का वैल्यू हमारा आ रहा है 3/10 और इसका वैल्यू हमारा आ रहा है 10/3। हमें लिखेंगे ना कि 0.3 का जो वैल्यू आएगा वो 3/10 एंड 3/1/3 का वैल्यू हमारा 10/3। तो साफ यहाँ देख रहे हैं ना कि जो हमारा ये न्यूमरेटर है वो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर बन रहा है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमरेटर बन रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये इसका जो 0.3 जो है, इसका 3/1/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3/10 × 10/3, तो कट के हमारा वैल्यू 1 आएगा। तो हम लिखेंगे यस, आंसर में लिखेंगे यस, बिकॉज, कारण लिख देंगे, बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, इसका प्रोडक्ट 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि राइट, यानी कि लिखिए, क्या लिखिए, तो 1 नंबर, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वैसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो 0 हमारा 0 मीन्स 0/1, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/0, जिसका वैल्यू हमारा होता है नॉट डिफाइन, इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। नंबर 2 में बोला जा रहा है कि द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वैसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल में है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना। नंबर 3 बोला जा रहा है,
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वैसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल में है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, वैसे कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने निगेटिव के इक्वल में है। तो हम यहाँ आंसर में बोलेंगे जीरो, क्योंकि जीरो का निगेटिव नहीं होता है, यानी कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता है, जीरो निगेटिव भी नहीं होता है। तो अगर बात करेंगे रैशनल नंबर जीरो हमारा जो है ना, जीरो को पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और जीरो को निगेटिव में भी लिख सकते हैं। नंबर टू में ना और एक चीज छूट गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ बोला गया ना कि अपने आप का रेसिप्रोकल होना, तो ये जो वन है ना, तो इसके साथ में माइनस वन भी लिख सकते हैं आंसर में, क्योंकि माइनस वन का भी रेसिप्रोकल ना हमारा माइनस वन ही होता है। क्यों? क्योंकि माइनस वन नीचे कुछ नहीं वन, तो अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई माइनस वन, तो नीचे तो माइनस वन होता नहीं, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि वैसे वन और माइनस वन दो ऐसे रैशनल नंबर हैं जिसका रेसिप्रोकल हमारा सिर्फ यही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरने के लिए बोला जा रहा है। हम पहला नंबर बात करेंगे जीरो हैज रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है या नहीं, तो लिखेंगे नो, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। नंबर टू, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। अभी आपको बताया ना कि वैसे सिर्फ वन और माइनस वन ये दो ही नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सिर्फ अपना आप वही नंबर होता है। वन का रेसिप्रोकल भी वन होगा और माइनस वन का रेसिप्रोकल भी माइनस वन होगा। नेक्स्ट थ्री नंबर में द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस फाइव इज, माइनस फाइव का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अगर हम लिखेंगे ना माइनस फाइव, तो माइनस फाइव नीचे कुछ नहीं तो वन लिखेंगे, तो वन को कर देंगे ऊपर और फाइव को नीचे, लेकिन माइनस साइन हमेशा हमारा ऊपर होता है, यानी कि माइनस फाइव का जो रेसिप्रोकल है वो माइनस वन बाई फाइव होगा। नेक्स्ट फोर नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज, अगर हमारा वन बाई एक्स दिया हुआ है लेकिन एक्स जीरो नहीं होगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो वन बाई एक्स मीन्स एक्स बाई वन, तो एक्स बाई वन को सिर्फ एक्स बोलते हैं, नीचे वन को डिनोमिनेटर में वन को लिखा नहीं जाता है। नंबर फाइव, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए, अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा हमारा रैशनल नंबर ही बनेगा। आपको एक बात हम बता दें कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच में कोई भी रिलेशन हो, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, तो वो रैशनल नंबर ही बनता है। तो जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर बनेगा, जब डिवाइड भी होगा ना रैशनल नंबर का ना, दो रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही होगा। मतलब कि रैशनल नंबर के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही बनेगा। नंबर सिक्स बोला जा रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर हमारे पास में पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स लिख सकते हैं पी ओ एस आई टी आई वी ई, पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक।